ऑल पेरेंट्स प्लीज या या इकडे या सगळे या मॅडम या इकडे प्लीज सगळे या सगळे या पुढे बरा या मग सगळे पालक अकॅडमी के सुरू झाले तेव्हापासून जवळजवळ 12 मुलं ज्युनियर मुलं स्पेशली त्या ज्युनियर मुलांवर 11 12वीच्या मुलांनी अक्षरशः एवढे अत्याचार केलेत की त्यांच्या वरून पाटीवर वळलेत आणि पेरेंट्स पुढे येत नाहीत मुलं थरथर कापतात ज्युनियर मुलं सांगायला एवढं त्यांच्यावर दहशत आहे एवढं ते सायकोलॉजिकली ड्रेन्ड आहेत आणि ह्या ॲडमिनिस्ट्रेशनशी आम्ही तो दोघे जण भांडतोय 8 दिवस झालं रजिस्ट्रारशी 45 मिनटं बोललो परवा दिवशी सैनिक स्कूल सोसायटी सॉरी सैनिक स्कूल साताराच्या प्रिन्सिपॉलशी जवळजवळ 20 मिनटं बोललो ते फक्त हे देतात की आम्ही करतो काही होत नाही परवा दिवशी माझा मुलगा सकाळी 10:30 वाजता स्कूलमधून गायब होता रात्री 7:30 ट्रेस झाला त्याला एका 11वीच्या मुलांनी अक्षरशः लाता घातल्या आणि तो 4 भिंतीवर जाऊन आत्महत्या करत होता एका भल्याग्रस्ताने आणून त्याला सोडलं पहिले लांबून येणारे जे पॅरेंट्स आहेत तर त्यांच्यासाठी गेस्ट हाऊसची व्यवस्था केलेली त्यांनी आणि ज्या वेळेस आम्ही गेस्ट हाऊसला मी एकटेच होते म्हणजे राहिलेले तर अक्षरशः मेस पुढे 10वी 11वी आणि 12वीच्या मुलांची स्टिकने मारामारी झालेली म्हणजे ती आम्ही डोळ्यांनी पाहिली आणि त्यामुळे म्हणजे अक्षरशः आम्हाला पण प्रश्न पडला की आम्ही आमच्या मुलांना इथं कशासाठी शिक्षण देतो की एवढं म्हणजे एवढं वेदम मारलेलं की त्याच्या कानातून आणि ह्याच्यातून रक्त निघालेलं म्हणजे एवढं त्या मुलांना मारलेलं 11वीच्या मुलांना 12वीच्या मुलांनी मारलेलं त्यामुळे आम्हाला पण प्रश्न पडतो की आता आमच्या मुलांना इथे काय शिक्षण मिळणार म्हणजे घरी आपण सांगतो मुलांना की बाबा तू याच्याशी खोडी करू नको मारू नको म्हणजे चांगले संस्कार आपण घरी देतो आणि ते संस्कार या शाळेत जर मिळत असेल तरच घालण्यात अर्थ आहे गांधीजीने कहा आई टू आई विल मेक द एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड मतलब एक आंख को दूसरा आंख से पोड़े फिर पूरा बंद हो जाएगी ऐसी हिसाब से एक दो बच्चे के बीच में जो छोटा सा जो हुआ हादसा उसको हम एकदम बढ़ाएंगे क्या स्कूल अपना नाम हिस्ट्री सब मिटा कर बैठे रहेंगे ये गलत है ठीक है पेरेंट का अपना थोड़ा बहुत ज़्यादा कभी कभी कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं एक्सेस रिएक्शन करते हैं कंसे साहब भी थोड़ा ओवर रिएक्टिंग कर दिया एक्सेस कर दिया ये बच्चा बहुत वीक है इनका ट्रेनिंग का वो साथ नहीं दे पा रहा है वो निकालने का हमने बहुत दिन पहले भी बता चुके हैं इनको एडवाइस दे चुके हैं लेकिन वो तैयारी नहीं है इसलिए बच्चा क्या है वो आउटडोर और इनडोर यहाँ सैनिक स्कूल में हम क्या करते हैं हमारा ट्रेनिंग सिर्फ अकेडमिक्स में नहीं है ऑलराउंड पर्सनैलिटी हम डेवलप करते हैं ऑलराउंड पर्सनैलिटी कब आएगा जब बच्चे स्पोर्ट्स कम से कम 2 गेम्स तो खेलना चाहिए कम से कम जो बेसिक मिनिमम पीटी का जो कैलिबर वो करना चाहिए तभी यूपीएससी में पास होने के बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में तैयार होकर जब नेशनल डिफेंस अकेडमी जाएगा वो एकदम ये लड़का बाकी स्कूल से एकदम नंबर वन रहेगा पिछले जून में जो पास आउट हुआ इंडियन मिलिट्री अकेडमी से मैं गर्व से कह सकता हूँ इस महाराष्ट्र का सैनिक स्कूल का लड़का सिद्धांत सुहाग एकदम फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट पास आउट हुआ वो कैसे उन्होंने किया वो कौन उसको ये गिविंग दैट प्रोटेक्शन स्कूल ने ट्रेनिंग किया उनको स्कूल में ट्रेनिंग कैसे होता है इनडोर आउटडोर सभी में पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें रैगिंग ये तो नहीं है रैगिंग नहीं है क्या होता है छोटा मोटा जो हादसा चलता है लाइक पीटी में अगर ठीक से नहीं कर पाया बड़े बच्चे ने बोल रहा दोबारा करो मान लो किसी ने पुशअप ठीक से नहीं किया उसको दोबारा किया जाता है इसको हम रैगिंग अगर रैगिंग का नाम पुकार है नो आई विल नॉट टेक द वर्ड रैगिंग से मारना ये तो स्टिक से नहीं मारा उन्होंने ये अननेसेसरली ये इश्यू को बढ़ाया गया है इसमें ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है अभी स्कूल एकदम बढ़िया सा ट्रेनिंग इधर चल रहा है ये उन्हीं का कल्पना है ये मैं गर्व से कह सकता हूँ यहाँ बच्चे से आप किसी से भी पूछ लीजिएगा यहाँ रैगिंग बिल्कुल मिट गया है इनका रैगिंग को बोल रहे कि वो सुसाइड करने के लिए स्टूडेंट गया था वो अपना सुनिए 100 मौत का 100 लोग 100 प्रकार का बोलेंगे हर चीज को मैं जवाब दूंगा तो पर बात तो नहीं बनेगा जो हमारा साथ 11th स्टैंडर्ड का पेरेंट्स आज ही मिलके गए उनका अकेडमिक्स के बारे में अकेडमिक कॉन्फ्रेंस में ले रहा था उस समय मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था अंदर आइए इनसे मिलिए करके 18वां लड़के क्यों भाग गए फिर 18वां लड़का नहीं भागा ये तो गलत है नहीं ये तो कल्पना है यही मैं बोलूंगा वो पहले पेरेंट है क्या वो चेक कर लीजिए और दूसरी बात करप्शन के कुछ एलिगेशन किए हुए पेरेंट्स लोगों जैसे ब्लैंकेट में शूज में सुनिए इस बार जो हमने टेंडर किए उसमें पेरेंटल रिप बिल्कुल बैठे थे इसलिए
वो हमारा अकाउंट सारे ओपन है। कुछ रेमेंट के रेमेंट रेमेंट के रेमेंट के ब्लैंकेट्स बोले कि प्रोवाइड कर आपने कमिट किया था जो जो टेंडर प्रोसेस में आप इस साल से हमने क्या किया, पेरेंट रिप होना जरूरी है, एक नहीं तीन पेरेंट रिप थे, तीन पेरेंट रिप के सामने क्या आप सोच रहे हैं हमने ऐसे गलती कर सकता है। दूसरा अगर कभी भी आपको अगर प्रॉब्लम है कोई भी आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। हमारा इंस्पेक्शन तीन प्रकार का होता है, एक सब एरिया जो हमारा एमजी एरिया एलबीए का लोकल बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, एक लोकल ऑडिट ऑफिसर आता है, उसके अलावा सेंट निकोल सोसाइटी से भी आते हैं। इसलिए ये सिर्फ क्या है, आज एक छोटा बच्चा का छोटा सा हादसा हो गया बस उसको लेकर उसको एक लिमिट के ऊपर उसको बढ़ाया जा रहा है। सर इस पेरेंट को आपने कितनी बार इंटीमेशन दी कि आपका लड़का भी, हमने 16 बार दे चुके हैं। 16 बार? हाँ जी। रिटर्न में नहीं, हमने सी यही से पेरेंट रप, इसलिए जब भी मिलता है ये हमेशा हफ्ते में एक बार आते रहता है, वो इसलिए हम बताते रहते हैं इनको। रिटर्न एक बार भी नहीं दिया? सुनिए, रिटर्न में देने का आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, जब पेरेंट मैं मिलने के लिए 24/7 मैं अवेलेबल हूँ इधर चटवां, मेरा ऑफिस में ना लाल बत्ती है ना ग्रीन बत्ती है, कोई भी चटवां क्लास से लेकर 12वां कक्षा तक कोई भी लड़का मेरा ऑफिस के अंदर आ सकता है, कोई भी पेरेंट अंदर आ सकता है। मैं यहाँ कहूँगा इतना है, कोई भी पेरेंट आता है उससे मैं निवेदन करता हूँ पहले मेस में जाओ खाना खा लो, वापस आके मुझे रिपोर्ट दो कैसे था खाना, बच्चे से मिलो और हमारे से डिस्कस करो, टीचर से डिस्कस करो, ताकि उनका एकेडमिक डेवलपमेंट उनका ट्रेनिंग इसके बारे में आपको हम पूरा अलाउड ही नहीं मिलने के लिए हमारा साथ बार बार पेरेंट्स आके मिलते हैं, इसमें कोई ये नहीं है।